हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे सामने खड़ी है वे टाटा टियागो। ये आज आप इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट एक्सजेड प्लस देख रहे हैं, जो कि सीएनजी के साथ हमारे सामने खड़ा है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले इसकी की देख लेते हैं। की की बात करें तो की कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसमें लॉक अनलॉक के बटन मिल जाएंगे और फॉलो मी का बटन मिलेगा अगर कार लॉक है। और अगर आप इस बटन को दो बार दबाते हैं तो इस तरीके से आप इसकी हेडलैम्प को ऑन कर सकते हैं, कार ढूंढने में थोड़ा आसानी रहेगी। इसको कर देते हैं बंद। दूसरी की आपको इस तरीके से फिजिकल की देखने को मिलेगी। एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। दूसरी की आपको रिमोट की नहीं मिलती है। की में यही सारी चीज़ें थी। की में एक बार आपको पीछे टाटा का लोगो इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। सामने ही आपको टाटा का बड़ा सा लोगो देखने को मिलेगा और डुअल हॉर्न मिल जाते हैं अंदर से। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, दोनों तरफ दे रखे हैं। और क्रोम फिनिश में आपको इसकी ग्रिल देखने के लिए मिलेगी, जिसपे क्रोम फिनिश में इंसर्ट्स हैं। इस तरीके से नीचे आपको इस तरीके से आपको लंबा सा क्रोम भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि हेडलाइट तक जाके जुड़ता है। इस तरीके से हेडलाइट सेटअप की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। डुअल टाइप सेटअप है, जिसमें आपकी हाई बीम जो है रिफ्लेक्टर बेस देखने के लिए मिलेगी और लो बीम आपको प्रोजेक्टर में देखने के लिए मिलती है। बट दोनों ही हेलोजन बल्ब के साथ आती हैं। यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर मिलेगा और नीचे ही आपको इसकी पार्किंग लैंप मिल जाएगी, जो कि आपको सामने दिख भी रही होगी। इस तरीके से हेडलाइट में ये सारी चीज़ें थी। नीचे आएंगे तो नीचे आपको इसके इसके DRL देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यहाँ पे हैं। और फॉग लैंप आपको इस जगह देखने को मिलेगी, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ हैं। इस जगह पे आप इसका टो इंसर्ट कर सकते हैं। और रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। इस साइड की बात करें तो इस साइड से भी कार कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। बोनट पे आ जाएं तो सामने आपको दो वाइपर देखने के लिए मिलेंगे इसके। और वॉशर्स की बात करें तो वॉशर्स आपको इस जगह प्लेस करे गए हैं, थोड़ा सा विजिबल नहीं है देखने के लिए। लेफ्ट साइड से बात करें तो लेफ्ट साइड से कार कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। और यहाँ मिलेंगे इसके हाइपर स्टाइल व्हील्स, टाटा का लोगो मिलेगा। ये वैसे हैं तो स्टील व्हील्स, बट अलॉय व्हील्स का लुक दे रहे हैं। अलॉय व्हील्स नहीं आते इसके अंदर, पेट्रोल वेरिएंट में ही खाली आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। यहाँ मिलेंगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं, ABS EBDSN स्टैंडर्ड है। आगे मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन मिलेंगे विद कॉइल स्प्रिंग के साथ, और पीछे टॉर्जन बीम के साथ सस्पेंशन मिलेंगे। और यहाँ पर मिलेंगे इसके डुअल टोन ORVMs, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स मिलेंगे विद टर्न्स इंडिकेटर्स, और ऊपर वायर्ड एंटीना, डुअल टोन फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे। अभी कार लॉक है, बी प्लर मैट में मिलेगा। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल और CNG। सो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आता है। यहाँ से भरेंगे आप इसकी CNG और यहाँ भरेंगे पेट्रोल। अगर बाई चांस ही आपका खुला भी रह जाता है कैब, तो कार स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये एज एन सेफ्टी डिवाइस दे रखा है इसमें। जब ये लॉक ही होगा तभी कार स्टार्ट होगी। और पीछे से बात करें, पीछे से कार कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। विंडशील्ड पे CNG की बैजिंग, वोकर फॉर लोकर का स्टीकर, डिफॉगर, वाइपर, और यहाँ मिलेगी आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। कुछ फेक इंसर्ट्स हैं, दोनों साइड मिलेंगे आपको इस तरीके से। ICNG की बैजिंग, टियागो की बैजिंग। यहाँ आप इसके फिजिकल की इंसर्ट करेंगे बूट को ओपन करने के लिए, और उसी के नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और ऐसी मिलेगी आपको इसकी लाइट्स, इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं, रिवर्स लाइट। एक बार बूट को ओपन करके देखते हैं। अंदर से भी ऑप्शन है बूट को ओपन करने का, और कुछ इस तरीके से व्यू आता है जब बूट ओपन होता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 12 kg का सिलेंडर, जिसमें मैक्सिमम आप 8 kg तक की CNG फिल करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर। और यहाँ पे मिलेगी आपको इसकी पार्शल सेल्फ। और अब टाटा की कार्स के साथ कुछ इस तरीके से टायर मोबिलिटी किट भी आने लग गई है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से व्यू आता है। यहाँ पे आपको इसका इन्फ्लेटर देखने के लिए मिलेगा, और ये आपको इसकी किट है पूरी। इसको पढ़ भी सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ। अब सभी कार्स के साथ आपको देखने को मिलेगी। एक बार इसको अंदर कर देते हैं। सिलेंडर आने के बाद कुछ भी स्पेस नहीं मिलेगा, बट आपको जो टाटा कहती है वो आप अंदर से भी इसको अगर कुछ रखना चाहें तो पीछे सीट के पीछे से भी आप थोड़ा बहुत लगेज रख सकते हैं। और स्पेयर व्हील भी आप पीछे की सीट से ही एक्सेस करेंगे इसका। इसको कर देते एक बार बंद। स्पेयर व्हील नीचे है, साइज अभी नहीं पता चल सकता क्योंकि स्पेयर व्हील लॉक है। एक बार मैं इस किट को बंद कर देता हूँ। रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अभी चलते हैं फाइनली को ड्राइवर सीट पे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं।
डोर ट्रिम की बात करें तो वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। डुअल टोन डोर ट्रिम है ब्लैक विद बीच के साथ। यहाँ पे आपको इसको लॉक अनलॉक करने के लिए सेंट्रल लॉकिंग का बटन, पावर विंडो का बटन, बोतल होल्डर 0.5 लीटर तक की बोतल आप इसमें रख सकते हैं, और यहाँ मिलेगा आपको इसका स्पीकर। ट्यूटर आपको पिलर्स पे देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसा दिखता है कैबिन। फैब्रिक सीट्स हैं, लेदर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ मिलेंगे आपको इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स। अभी चलते हैं फाइनली इसके अंदर। सो डोर थर्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। एक बार सीट को करते हैं पूरा पीछे। डैशबोर्ड की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से व्यू आता है डैशबोर्ड का पूरा। यहाँ मिलेगा आपको मैनुअल डिमिंग IRVM, मिरर, टिकट होल्डर, और यहाँ मिलेगा आपको उसका माइक का पोर्ट। ग्लो बॉक्स की बात करें तो ग्लो बॉक्स कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। बड़ा साइज का ग्लो बॉक्स है, कूलिंग फंक्शन मिलेगा ग्लो बॉक्स में। और यहाँ मिलेंगे आपको इसके एसी वेंट्स, क्रोम फिनिश है एसी वेंट्स पे, SRS एयरबैग की वेजिंग, और बीच में मिलेगी आपको 7 इंचेस की स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हरमन की वेजिंग, हजार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए एसी वेंट्स, और नीचे मिलेंगे आपको कुछ शॉर्टकट बटन्स, फॉग लैंप ऑन करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए, CNG में स्विच करने के लिए। नीचे आ जाएं तो नीचे मिलेगा आपको ऑटोमेटिक AC, USB-A चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, कुछ स्पेस, और यहाँ मिलेगा आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। पेट्रोल में ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, और कुछ यूटिलिटी हुक साइड में। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, और पीछे बोतल होल्डर मिलेगा आपको, एक आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी। यहाँ देखें तो यहाँ मिलेगा आपको इसका ग्रैब हैंडल, लाइट नहीं मिलेगी, और यहाँ मिलेगी आपको एक लैंप, LED लाइट है, डोर के साथ सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। चलते हैं एक बार पीछे। एक और चीज, CNG कार में आपको सीट के नीचे एक फायर एक्सटिंग्विशर भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। कोई भी इमरजेंसी होने पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार ऑन करते हैं पीछे के डोर, और ऐसा दिखेगा पीछे का डोर। सेम आपको डुअल टोन ट्रिम देखने के लिए मिलेगी बीच विद ब्लैक के साथ, और यहाँ मिलेंगे आपको इसका ट्यूटर, डोर लीवर, सेंटर लॉकिंग का बटन, पावर विंडो का बटन, बोतल होल्डर, स्पीकर, और ऐसी मिलेगी आपको पीछे की सीट्स। बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, और पीछे भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई हैं। बीच वाले के लिए लैप बेल्ट मिलेगी। एक बार चलते हैं पीछे। सो डोर थर्ड कुछ इस तरीके से थी पीछे वाले डोर की। पीछे से सेंटर का व्यू देखें तो वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, और को ड्राइवर सीट ऑलमोस्ट पूरे पीछे है। तो स्पेस की बात करें तो वो कुछ आपको इतना देखने के लिए मिलेगा। तो 5.5 तक की हाइट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, बट बीच वाला फ्लोर ज़्यादा होने के कारण बीच वाले पैसेंजर को थोड़ा दिक्कत ही रहेगी, वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। सेंटर में कुछ भी नहीं मिलेगा, और यहाँ मिलेंगे आपको इसकी ग्रैब हैंडल, यहाँ भी ग्रैब हैंडल मिलेगा। अभी चलते हैं ड्राइवर सीट पे। पीछे वाली सीट पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन भी नहीं थे, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग हैचबैक है। सेफ्टी में बात करें तो आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक, ABS CVD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, डुअल एयर बैग, और ग्लोबल एनकैपनेस 5 में से 4 स्टार्ट दिए हैं टाटा टियागो को, जो कि बनाते हैं इसे सेफेस्ट हैचबैक। देखते हैं ड्राइवर डोर। ड्राइवर डोर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। सेम आपको डुअल टोन ट्रिम देखने के लिए मिलेगी ब्लैक विद बीच के साथ। यहाँ मिलेंगे आपको इसके 4 पावर विंडो के बटन्स, ऑटोमेटिक अप खाली ड्राइवर साइड डोर पे मिलेगा, बाकी आपको नॉर्मल पावर विंडो मिलेंगी। और यहाँ मिलेगा आपको इसका स्पीकर, बोतल होल्डर, सेम आप इसमें भी 0.5 लीटर की बोतल को स्टोर कर सकते हैं।
और यहाँ से आप इसके और अभी हमको इंटरनली एडजस्ट एंड फोल्ड करेंगे और ऐसी मिलेगी आपको ड्राइवर साइड सीट। मैनुअल एडजस्टमेंट सीट्स हैं विद हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ। इस तरीके से आप इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ मिलेंगे आपको उसके मैनुअल पैडल्स, तीन पैडल्स हैं बोनट ओपन करने के लिए। अभी चलते हैं अंदर। सीट को करते हैं एक बार पूरा पीछे। सो ऐसा दिखेगा आपको स्टीयरिंग व्हील। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं है। टाटा का लोगो, पियानो फिनिश। और यहाँ मिलेंगे आपको इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के बटन्स, वॉइस कमांड के बटन्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। नीचे एयरबैग की बेसिंग, वाइपर्स के कंट्रोल। और यहाँ मिलेंगे आपको इसके हेडलाइट के कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर। और ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो खाली आपको टिल्ट फंक्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। इग्निशन को ऑन करते हैं। सो ऐसे ऑन होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फुल स्वाइप अप टाइप मीटर है। एक बार इसको बंद करते हैं। बीच में मिलेगी 7 इंचेस की मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि दिखाएगी डिजिटल स्पीड, लो फ्यूल वार्निंग, कुछ वार्निंग लाइट, ट्रिप ए ट्रिप बी, टोटल स्पीड। एक बार इसको टॉगल करके देखते हैं। ओडोमीटर रीडिंग, आउटसाइड टेम्परेचर। और यहाँ मिलेगा आपको उसका फ्यूल इंडिकेटर, CNG इंडिकेटर। और यहाँ मिलेगा आपको RPM मीटर जो कि 8 तक की मार्किंग है। CNG इंडिकेटर, ट्रिप ए ट्रिप बी को रीसेट करने के लिए। और देखते हैं एक बार टॉगल करके। एवरेज इंडिकेटर को बंद करते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर, एवरेज, रिफ्यूल, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ऑन होने के बाद इंफोटेनमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, डिवाइस कनेक्टेड, पेयर डिवाइस। ऑडियो सेटअप, आईपॉड, पार्क असिस्ट, फोन सेटअप, साउंड डेमो। सेटिंग में एक बार चल के देखते हैं। ब्लूटूथ फोन, मिडल, ट्रबल, बेस। अगर आपको इसका पर्सनली सिस्टम चेक करना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसके जो गाने हैं हिंदी एंड पंजाबी सॉन्ग वहाँ पे प्ले करूँगा। वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। और चेक करते टाइम हेडफोन का यूज़ ज़रूर कीजिए ताकि आपको इजीली रहे समझने में। यही सारी चीज़ें थी। एक बार इसको बंद करते हैं। अभी चलते हैं फाइनली बोनट की तरफ। वहाँ बात करते हैं इसकी। बोनट ओपन करने के लिए आपको ये वाला सेम लीवर पुल करना पड़ेगा। की को निकाल देते हैं। यहाँ मिलेगा आपको 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसकी पावर की बात करें तो 72 bhp की पावर मिलेगी और 95 nm का टॉर्क मिलेगा और 26 का एवरेज मिलेगा CNG में और 21 का एवरेज मिलेगा पेट्रोल में। तो कैसी लगी कार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।